नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश। आप देख रहे हैं गिरीश पेट्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन 4 वोल्ट की बैटरी के लिए एक बैटरी एलिमिनेटर बनाएंगे, या फिर आप इसे चार्जर भी कह सकते हो, जिसके मदद से आप इन डेड बैटरी को फिर से रिचार्ज कर सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए 4 पीस IN4007 डायोड, 1 पीस 105J 400 वोल्ट पॉलिएस्टर कैपेसिटर, एक ग्रीन कलर की एलईडी की, आप इसके जगह पर कोई भी कलर के एलईडी को ले सकते हैं। तो इसके बाद हमको चाहिए एक 300 ओम हाफ वॉट रेजिस्टेंस, एक पीस 820 ओम क्वार्टर वॉट रेजिस्टेंस। तो इन कंपोनेंट्स की हमको जरूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो यहाँ पर मैंने एक डायोड को लिया है, तो सबसे पहले इस डायोड को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये डायोड है, इसकी एक जो व्हाइट कलर की स्ट्रिप है वो है इसकी कैथोड साइड, और जो ब्लैक वाली पूरी साइड है वो है इसकी एनोड साइड। तो इसके बाद हम इसी प्रकार का एक और डायोड को लेंगे, और इसके बाद हम इन दोनों डायोड के व्हाइट वाले साइड को, यानी कि कैथोड वाली साइड को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम फिर से दो डायोड को लेंगे, और इस बार हम इन दोनों डायोड के एनोड यानी कि ब्लैक वाली साइड को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो दो डायोड का पेयर बना लिया है। तो इसके बाद हम इस पहले वाले पेयर के एनोड और दूसरे वाले पेयर के कैथोड को आपस में कनेक्ट कर लेंगे, और दूसरे साइड भी हम ऐसा ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है एक ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसके बाद हमको चाहिए एक 105J 400 वोल्ट पॉलिएस्टर कैपेसिटर, और जो ये पॉलिएस्टर कैपेसिटर होती है इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है। तो इसके बाद हमको चाहिए एक 300 ओम हाफ वॉट रेजिस्टेंस। तो हमको इस रेजिस्टेंस के दोनों लेग को इस कैपेसिटर के दोनों लेग के साथ शोल्डर कर लेंगे। तो इसके बाद हमने जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, तो उस रेक्टिफायर के एक एनोड और एक कैथोड वाली साइड को इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस के साथ शोल्डर कर लेंगे। तो इसके बाद मैंने लिया है एक ग्रीन एलईडी, और मैंने इस एलईडी के पॉजिटिव के साथ एक 820 ओम के रेजिस्टेंस को शोल्डर कर लिया है। तो इसके बाद हमको इस एलईडी के नेगेटिव को इस रेक्टिफायर के ब्लैक वाली साइड यानी कि एनोड वाली साइड पर शोल्डर कर लेंगे, और इसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस वाली साइड पर शोल्डर कर लेंगे। तो इसके बाद हम इस व्हाइट वाले वायर को इस रेक्टिफायर के व्हाइट साइड पर और इस ग्रे वाले को इस रेक्टिफायर के ब्लैक साइड पर शोल्डर कर लेंगे, और ये दो जो वायर है वो आउटपुट के लिए हैं। तो इसके बाद हम 220 वोल्ट इनपुट के लिए एक वायर लेंगे। तो हम इस वायर के एक साइड को इस कैपेसिटर और इस रेजिस्टेंस के एक साइड पर, और इस वायर के दूसरे साइड को इस रेक्टिफायर के एक एनोड और कैथोड वाली साइड पर ऐसे शोल्डर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है वो ओपन सर्किट है, तो आपको इसमें करंट लग सकता है। तो इसके लिए हम इस सर्किट को इस कार्डबोर्ड पर इस तरह से फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस बैटरी को भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं इस मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस मोटर को इस 9 वोल्ट की बैटरी से पहले चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा मोटर है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम इस मोटर को इस 4 वोल्ट की बैटरी से भी चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मोटर है वो घूम नहीं रहा है, मतलब कि ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये बैटरी है वो डेड है या फिर डिस्चार्ज है। तो इसके बाद चलिए इस बैटरी को इससे चार्ज कर लेते हैं। तो इस रेक्टिफायर के व्हाइट वाले साइड को इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ और इस रेक्टिफायर के ब्लैक साइड को इस बैटरी के नेगेटिव के साथ शोल्डर कर लेते हैं। तो चलिए इस प्लग को इस 220 वोल्ट एसी लाइन पर लगा देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन कलर की एलईडी है वो अच्छे तरीके से ब्लिंक कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें वोल्टेज आ रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो सर्किट है वो पूरी तरीके से ओपन सर्किट है। मैं आपको टेस्टर से चेक करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेस्टर का बल्ब जल रहा है, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। तो ये जो सर्किट है वो ओपन है, आपको इससे करंट लग सकता है। और इस बैटरी को भी आप मत छूइएगा जब ये चार्ज हो रहा होगा। तो इस बैटरी को आधे घंटे तक चार्ज कर लेते हैं। तो मैंने इस बैटरी को चार्ज लगाया, कम से कम आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और इसे चेक करके देखते हैं। तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है। तो चलिए इसे मोटर से चेक करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा मोटर है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये बैटरी है वो अच्छे तरीके से चार्ज हो चुकी है। आप इसको लगभग 1 घंटे तक चार्ज लगा सकते हैं, जिससे कि बैटरी जो है वो अच्छे तरीके से चार्ज हो जाएगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए जितना कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना आइडिया मेरे साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।